Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए तो आज हम लोग देखते हैं एक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि हमें इसे डोमेन और रेंज पर, ठीक है, फाइंड करना है। तो डोमेन होता है क्या? सबसे पहले क्या होता है डोमेन? डोमेन ये होता है कि एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम क्या यहाँ पुट करें जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो आए वो रियल आए, यानी कि जो हमारा आउटपुट आए वो रियल नंबर आए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वो हमारा सारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, देखना है। तो चलिए निकालते हैं। तो अगर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये रूट में है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। अच्छा, अगर इसमें हम 9 माइनस 4 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 9 माइनस 16 का रूट कर दें, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा माइनस 7 रूट हो जाएगा, यानी कि माइनस 7 रूट। ये क्या रियल नंबर है क्या? ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे हम लोग देखेंगे, चैप्टर है इसका एक सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये देखते हैं। तो बस ये समझाने का मतलब ये था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, तभी हम डोमेन्स का फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर डोमेन के लिए बात करते हैं, फिर रेंज के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा, ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है यहाँ, ठीक है, ये इन इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम 9 माइनस 3 का स्क्वायर करते तो 9 माइनस 9 यानी कि जो रूट आएगा हमारे पास वो 0 आएगा, और 0 का रूट 0 यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। 0 क्या है? रियल नंबर है कि नहीं? है ना रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है, ओके। तो इसलिए अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये रूट हटा, इक्वल टू 0, ये जो है हमारे पास इन इक्वेशन है, ठीक है, और एक इक्वेशन होता है, ठीक है, तो वो अलग अलग बात है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। ये इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशन को ये जो x का जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर 2 है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं ना, तो ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है। तो हमें करना क्या कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो कोफिशियंट है उसे पॉजिटिव करना है, यानी कि अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और जब इन इक्वेशन में हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते तो जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसको फैक्टराइज फैक्टर करते तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x जो आया हमारे पास वो 3 आया एंड माइनस 3 आया, ये x का वैल्यू है ना 3 और माइनस 3 आया। अगर हम लोग x माइनस 3 और x प्लस 3 को इक्वल टू 0 किए तो ये दो वैल्यू आया हमारे पास। अच्छा, अगर हम लोग नंबर लाइन में इसे रिप्रेजेंट करें तो ये जो नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये मान लेते हैं माइनस 3 और ये 3, यही है ना, और भी बहुत सारा नंबर है। तो ये जो x जो है कहाँ लाइ करेगा, वो x जो होगा ना वो माइनस 3 से इक्वल टू ग्रेटर देन और 3 से लेस देन इक्वल टू होगा, यानी कि माइनस 3 से 3 के में होगा, ठीक है, माइनस 3 भी होगा 3 भी होगा और उसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है, उसका जो वो डोमेन आएगा, यानी कि इसका जो
जितना भी यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस थ्री थ्री और उसके बीच में जितना सारा नंबर, तो ये हमारा जो वैल्यू देगा वो रियल नंबर देगा, ठीक है। तो हम लोग x बिलोंग्स टू माइनस थ्री, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक है, समझ में आया ना। करना क्या है, ये जो रूट में है हमें x का वैल्यू वैसा फाइंड करना है जो हमेशा आउटपुट f ऑफ x जो है रियल नंबर दे, ठीक है। और यहाँ इन इक्वेशन का यूज करना, यहाँ तो डोमेन फाइंड कर रहे हैं लेकिन ये जो सारा है ना ये इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे भी बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग रेंज देखेंगे, यानी कि जो हो रहा है x बिलोंग्स कर रहा है माइनस थ्री से थ्री, क्लियर है। यानी कि इस ये सब वैल्यू से अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा जो इमेज दे रहा है ना, वो जो वैल्यू आ रहा है आउटपुट आ रहा है वो रियल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग माइनस फोर पुट करते हैं या फिर फोर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर का रूट स्क्वायर करेंगे तो 16, और 9 माइनस 16 माइनस 7 रूट का क्या, वो तो रियल नंबर है ही नहीं, तो वही है ना। तो अब समझ में आ गया। अब फोर रेंज के लिए बात करते हैं, फोर रेंज, ठीक है। तो रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ठीक है। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वल टू वन माइनस नहीं नाइन माइनस ना नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, यानी कि नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले ये करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो एक्स जो हमारे पास क्या आया, माइनस थ्री थ्री, ठीक है, ये आ रहा है ना माइनस थ्री और थ्री, उसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। तो अगर हम माइनस थ्री थ्री और टू रखते हैं, वन रखते हैं, माइनस टू माइनस वन रखते हैं, तो जो हमारा वाई आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा जीरो से, ठीक है, वो जो आएगा हमारे पास जीरो आएगा। ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि यहाँ तो एक मिल गया, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये तो एक रेंज आएगा, वो जो होगा वो इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो रहा ना बात, अभी और हम लोग देखेंगे क्या क्या रेंज हो सकता है, अभी इसका इंटरसेक्शन देखना है, इसका कॉमन में क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेंज के लिए एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो वाई माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वाई इक्वल टू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर करते, तो वाई स्क्वायर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी का जो x का वैल्यू आ रहा है ना हमारे पास वो आ रहा है एक्स स्क्वायर है नाइन माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x, तो x हो जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, देख लो, देख लीजिए अच्छा से। अब हमें क्या करना है, फिर वही बात, यानी कि x जो है माइनस थ्री और थ्री में आ रहा है, इसका डोमेन आ रहा है ना, तो यानी कि ये जो आएगा हमेशा जो ये रूट में है नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी रूट हट ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग x के साथ किए थे, कॉमन लेते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता है, फिर इसका फैक्टर करते तो माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है माइनस थ्री से बड़ा या इक्वल, और ठीक है ये आ रहा है हमारे पास, यानी कि वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है माइनस थ्री से थ्री, ये रेंज हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यही इन इक्वेशन को सॉल्व किया है उसी तरह से। अच्छा, एक तो हमारे पास और है ना, वाई जो है वो ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं तो ये जो है माइनस थ्री है, ये जीरो है और ये थ्री है,
तो इसका जो रेंज हो जाएगा ना, वो जो इमेज देगा है ना, ठीक है, वो जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना सारा इमेज देगा इसके, ठीक है। तो यानी कि जो वाई जो बिलोंग्स कर रहा है वो जीरो से लेके थ्री, ये हमारा रेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। तो इसका स्टेप है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, ठीक है। ये तो हम लोग देखे ना कि एक्स जो है माइनस थ्री से थ्री में डोमेन है, तो ये जीरो से बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पहले ये करना है, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करना है हमें, ठीक है। एक्स सॉल्व करना है, फिर उसके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है नंबर लाइन में। तो बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।